हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गुजरात का एसएससी जीडी का कटअप बताने वाला हूँ। तो गुजरात के कटअप के बारे में अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर जनरल एरिया बॉर्डर एरिया दोनों है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों है। तो ईडब्ल्यूएस का अगर बात करें जनरल एरिया का मेल का कटअप कितना जाएगा तो वह आपका कितना 57, कितना 57। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का कटअप कितना जाएगा 50। अगर ईडब्ल्यूएस में बॉर्डर एरिया की बात करें तो बॉर्डर एरिया में मेल का कटअप कितना जाएगा आपका, बॉर्डर एरिया मेल का कटअप आपका 55 जाएगा और फीमेल का कटअप आपका 47 जाएगा, ठीक है। अगर एस सी कैटेगरी में जनरल एरिया में बात करें तो जनरल एरिया में मेल का कटअप 79 जाएगा, ठीक है, और फीमेल का कटअप 75। अगर एस सी कैटेगरी में बॉर्डर एरिया में बात करें तो यहाँ पर मेल का कटअप जाएगा 76 और फीमेल का कटअप जाएगा 77। अगर एस टी कैटेगरी में यहाँ पर अगर हम जनरल एरिया की बात करें तो जनरल एरिया में मेल का कटअप जाएगा 69, ठीक है, और फीमेल का कटअप जाएगा 57। अगर एस टी कैटेगरी में बॉर्डर एरिया में बात करें तो बॉर्डर एरिया में यहाँ पर जो मेल का कटअप होगा, मेल का कटअप 65 होगा, ठीक है, और फीमेल का कटअप यहाँ पर 55 होगा, ठीक है। अगर ओबीसी में बात करें जनरल एरिया में तो मेल का कटअप यहाँ पर 77 होगा और फीमेल का कटअप यहाँ पर 75 होगा, ठीक है। यहीं पर अगर बात करें ओबीसी में बॉर्डर एरिया में तो यहाँ पर मेल का कटअप जो होगा वह 76 होगा और फीमेल का कटअप 72 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओबीसी में 70 के ही आसपास है, ठीक है, 70 से लेके 80 के बीच में कटअप जा रहा है। अगर यूआर की बात करें तो यूआर में जनरल एरिया के लिए मेल का कटअप होगा 80, फीमेल का कटअप जाएगा 77 और यहाँ पर यूआर में बॉर्डर एरिया में मेल का कटअप जाएगा 78 और फीमेल का कटअप जाएगा 73। तो ये आपका था गुजरात का कटअप। आपको अगर कोई और दिक्कत है तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।